गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। केम छतब रॉयल बैटल खेले हुए बहुत दिन हो गया हुआ है, तो भाई इस बार मैं खेलने वाला, बट वैसे नहीं जो हमेशा खेलता हूँ, मतलब अपने सारे पावर्स को कम करके ऑफ सूट पोकेमोन्स को लेकर ही मैं खेलूंगा। मतलब कि मेरे पोकेमोन्स की पावर इतनी हुई कि लो लेवल के प्लेयर से मतलब मेरा पावर मैच कर जाए और मैं उनसे कम्पीट कर पाऊँ। ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरा ज्यादा पावर्स रहेगा, फिर भी थोड़ा मोटा लेवल का यहाँ पे मुझे एडवांटेज मिलेगा, बट इतने भी ज्यादा पावर नहीं होंगे कि वो लोग मुझे संभाल ना सके। अब भाई देखना ये है कि भाई प्लेयर्स कैसे आते हैं, मतलब कितने लेवल्स के आते हैं। गाइस आगे चल के एक ऐसा प्लेयर मिलता है जो भाई लो लेवल का तो था ही, बट यार उसका भाई सब कुछ कंप्लीट था। आई मीन टू से वो फ्रेंडशिप वगैरह पूरा शायद कंप्लीट तो नहीं था, मैं अनुमान तो नहीं लगा सकता, बट उसने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था अपना अकाउंट और भाई उस लेवल के अकॉर्डिंग उसका पावर बहुत ज्यादा था, तो मतलब उससे कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा उस लेवल के अकॉर्डिंग। मैंने एक सूट वाला पोकेमोन रखा था ताकि मामला थोड़ा बिगड़े तो मैं यहाँ पर संभाल सकूं। लाइक बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी आए थे जो लो लेवल में होते बट वो लोग अच्छे से मेंटेन करना जानते होंगे अपना अकाउंट, लाइक उसने अपना फेटर्स कंप्लीट अच्छे से कर रखा होगा, फ्रेंडशिप वगैरह भी कंप्लीट कर रखा होगा, तो भाई 30 के 33 के अगर एक पोकेमोन का होगा तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी यहाँ मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। ये 62 लेवल का ये स्वैम्पेट जो खड़ा है भाई, इसे मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अर्थक्वेक से मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है, तो मैंने इसे बुलेट सीट से मार दिया। लोग रॉयल बैटल में फ्लाइंग टाइप पोकेमोन इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई जल्दी उसे मार ना पाए, लाइक लो लेवल के प्लेयर ज्यादातर इसको यूज करते हैं ताकि अर्थक्वेक से वो बच सके, जैसे कि हाई प्लेयर्स कभी भी आ जाते हैं रॉयल बैटल में। तो भाई यहाँ पे 66 लेवल का माहौली आ चुका हुआ, मुझे पता है कि भाई पिन मिसाइल वगैरह कुछ कर तो ज्यादा नहीं पाएगा, तो फिर भी पिन मिसाइल का यूज करता हूँ। बहुत ही कम डैमेज पड़ रहा है, 81-92 है, बहुत ही शर्मनाक बात है, कोई बात नहीं। मेगा स्टीलरस उसने एडेक्टर पे यूज कर लिया, चलो ठीक है। यदि ग्रेवलर थोड़ा अर्थक्वेक मार के मेरा देखो एचपी कितना कर दिया, तो कोई बात नहीं, ये परेशानी की बात नहीं है। मैं यहाँ पे अपना जी मूव यूज करता हूँ मौली के ऊपर, बट यहाँ पे मौली किसी और को मारेगा, मुझे पता है वो भाई जीतने का चक्कर में था और वो जीत भी गया, मतलब वो फर्स्ट आना चाहता था इसलिए उसने 3 पोकेमोन्स को मारे थे, तो भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट आ सकता था बट यहाँ पे गलती हो गई। भाई यहाँ पे वो बंदा आने वाला है जिसका बात मैं कर रहा था कुछ देर पहले, लाइक ये देख रहा हूँ MVP ब्लू, इसके पास ही वो पोकेमोन है जो भाई हर चीज खराब कर देता है लिटरली, क्योंकि यहाँ पे मैं ना कोई भी ऐसा पोकेमोन लाया जो उसे संभाल सको, लाइक काउंटर वगैरह तो काम करेगा नहीं, स्पेशल अटैक टाइप ये पोकेमोन यूज कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका फ्रेंडशिप कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, 8 के ही नहीं होना चाहिए, 10 के हो जाना चाहिए होता है फ्रेंडशिप कंप्लीट करने पे जनरली, देखते हैं शायद हो कंप्लीट, कुछ कह नहीं सकते, अज्यूम एजप्शन अपना चलता रहता है। ठीक है, ये स्टीमर ऑप्शन यूज करते एक ही बार में तीनों को टोका, भाई ये सही नहीं है। 68 लेवल प्लेयर मानता हूँ और इसने भाई अच्छा खासा मेंटेन कर रखा हुआ है, मैं यहाँ पे अपना कोई भी ऐसा पोकेमोन नहीं लाता हूँ, लाइक जरूरी नहीं मुझे अपने टीम में से कोई पोकेमोन लाके पिटना पड़ेगा, बट कोई ऐसा ट्रेंड पोकेमोन लाता ना तो आराम से इसे संभाल सकता था, बट मैं कोशिश कर रहा था कि जो पोकेमोन मेरे पास है उसी समय संभाल सकूँ। फिलहाल वो फिर से स्टीमर ऑप्शन यूज करने वाला, मैं सोचा तो कौन सा मूव यूज करूँ, तो मैं सोचा काउंटर यूज करूँ, बट यहाँ पे यार स्पेशल अटैक टाइप कुछ भी हो नहीं सकता, तो यहाँ पे बुलेट से यूज करता हूँ, बहुत कम डैमेज पड़ता है यार। वाटर टाइप है, मतलब ये सुपर इफेक्टिव तो नहीं है, नॉर्मल था तो कुछ भी नहीं हो पाया ज्यादा, तो मेगा स्टीलर्स उसने उस पर यूज किया जो कि हुआ मिस। अब मैं सोचा था क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता था, और एक बार मैं कोशिश करता हूँ, उसने भाई फ्लेम थ्रोअर डायरेक्टली मेरे भी हमला कर दिया, यार ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, मतलब बहुत ही बेरहमी से मैं यहाँ पर हारा, और कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि यार अब क्या करूं, तो मैं ना क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे अपना पोकेमोन चेंज करता हूँ, ठीक है थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जरूरी है इस उस बंदे को मारने के लिए। अब मैंने जैसी मैचिंग किया वो बंदा तो नहीं आया, बट कोई और प्लेयर्स आ गए, जब येलो स्नोलैक्स को चूज करता होऊंगा तो उसका मैचिंग कहीं और रॉयल बैटल में हो गया होगा। मैं इस मैच को खत्म करता हूँ, उसके बाद उससे जब मीट करता हूँ तो मैं दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं यूज करता हूँ अपना येलो स्पीड सीट, एक ही बंदे को मार सकता हूँ मैं, तीनों को तो नहीं लगेगा भाई, उसे पता है कि वो मुझे मार नहीं पाएगा, उसको किसी और को मार रहा, चलो ठीक है मैं जाता हूँ जल्दी से जल्दी ये मैच खत्म कर सकूँ। यार ये येलो स्पीड सीट बहुत सही चीज है, बट ये फ्लाइंग टाइप पे तो काम करेगा नहीं, तो मैं इसी को ही खत्म कर देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। एडरटाइल ने उस पर हमला किया, इसने उस पर हमला किया, क्या बात है, रॉयल बैटल का मजा यही है, बट सबसे ज़्यादा खराब तब लगने लगता है जब तीनों प्लेयर्स तुमको ही सिर्फ पिटने लगते हैं, तब वो थोड़ा सा बुरा लगता है तुम्हें, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता हमारे साथ, मतलब किसी से भी दुश्मनी वगैरह सब यहीं से निकाली जाती है कहा जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइन बाय लाइन फाइट करने में ज़्यादा मजा आता है। तो भाई गाचोम आ गया हुआ यहाँ पे, और देखना ये है कि कौन जाएगा, मैंने तो उसे मार दिया, अटैक प्लस 2 हो चुका हुआ है वो, भाई इसका उससे फाइट हो रहा है, मेरा सामने वाले से फाइट हो रहा है, चलो ठीक है यहाँ पे मैं फर्स्ट हूँ। अब मैं अपना ये पोकेमोन इसलिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता था कि ब्लू मुझे अब मिलेगा, मतलब ये जो दिख रहा है MVP ब्लू सबसे येलो के साइड वाला, हाँ ये बंदा मुझे लगा ही था मिलेगा, इसलिए मैंने एक बार ट्राई किया था और ये मिल गया। मैं अब कोशिश में हूँ कि भाई इसका ये पोकेमोन को जरूर मार सकूँ अच्छे से, ठीक है, मतलब उसका वो वोल्केनियन को, मेगा वोल्केनियन को, भाई बहुत ऑसम पोकेमोन है यार ये वोल्केनियन, मैं आज समझा जाकर, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ इसलिए पता नहीं था, अब मैंने किसी को यूज़ करते हुए भी देखा नहीं है,
पर किसी को करते हुए देखा भी है तो मतलब उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं देखा, बट ये अच्छा खासा पावरफुल है। यहाँ पर मैंने अपना येलो स्पीड सीड यूज़ किया भाई एक ही बार में, तो उतना भी ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा, डिफेंस अच्छा है उसका यार। और यहाँ पर वैसे भी मेरा जीरिम्स वगैरह सब निकला हुआ है तो भाई अटैक बहुत ही कम होगा। स्पेशल डिफेंस तो ऐसे ही कम था, जीरिम हट गया और भी कम हो गया हुआ है, ठीक है। अगर ये नेस्टी प्लस यूज़ करता ना तो ये मेरा बैंड बजा देगा, मुझे पता अच्छे से। और एक स्टीम इरप्शन से ना हालत ख़राब हो जाने वाला है, तो भाई वो सोच रहा था मेरे ख्याल से, उसी वजह से ये पूरा रॉयल बैटल रुका हुआ था। एक और बार लग जाए तो ये ख़त्म हो जाए भाई, सब लोग देखो तीनों का तीनों मिलकर उसी को मार रहे हैं, हम लोग तीनों भी कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई इसका। देखो स्पेशल अटैक इसने अपना 2+ कर लिया हुआ है, मैं एक और मारने चाह रहा था बट ये देखो एक शॉट में तीनों को मार गया यार, मतलब हीरो निकला ये इस रॉयल बैटल का। मैं तुम्हें भाई सच में शाबाशी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हार गया तो, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार स्पेशल अटैक से उसका प्लस हो चुका हुआ है, स्टीम इरप्शन नाम है जो यूज़ कर रहा हो अपना अटैक, सॉरी स्पेशल अटैक, तो मुझे छोड़ने वाला तो है नहीं। मैं सोच रहा था एक बार स्वॉर्ड डांस अगर मैं यूज़ कर लूँ ना, एक बार मैं ख़त्म कर दूंगा उसे, बट यार ये मुझे ऑप्शन देगा ही नहीं ना, मतलब चांस देगा ही नहीं। तो फिर से वो शायद सोचने में लग गया, किसका बारी है यार, जल्दी चलो ना, हर बार ये काउंटर आया था ना बहुत गुस्सा आता है भाई, एक ही बार में ख़त्म कर दिया यार स्टीम इरप्शन ने, यार बहुत गुस्सा आ रहा यार, मतलब बहुत बुरा लग रहा है इस तरह से, बुरी तरह से हार कर। सेकंड नंबर पे हूँ बट कोई बात नहीं, अब मैं फुल तैयारी में आने वाला हूँ, डोंट वरी। बस ये देखो तुम लोग, मिरर कोट दिया है मैंने स्वीकून को। अब भाई मिरर कोट क्या करता है ना, स्पेशल अटैक को ना वो वापस भेज देता है डबल डोमेस्टिकन में, मतलब वो काउंटर की तरह अटैक काम करता है, पता ही होगा तुम लोगों को। तो इस बार मैं उसे लेकर आऊँ ताकि भाई उसका एक शॉट में तो किल कर ही नहीं सकता मैं, स्पेशल डिफेंस थोड़ा सा अच्छा है स्वीकून का, हाँ ऑफ शूट पोकेमॉन है फिर भी ये सही है। तो वो इस बार आया ही नहीं वो भाई, अगली बार मैं पक्का इस वाले मैच को ख़त्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसे मिलने का। 71 लेवल का यहाँ पे प्लेयर है मेगा जाइग्रेड, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है मुझे, बहुत ही कम डैमेज दिया मैंने उसे। गाइज मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये बैटल देखो, मैं चाहता हूँ कि भाई उसके साथ ही मैं बैटल करूँगा, वो वीडियो मैं दिखाऊँगा, उसे हरा कर दिखाऊँगा बस। तो यहाँ पे क्या होता ना, मैं फिर से आता हूँ, वो बंदा आता नहीं है, इनविजिबल मैन दिख रहा तुमको ये साइड में चमेली, वो दिख रहा बट वो नहीं दिख रहा, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं सोचा था कि सिर्फ इसको चलो हटाओ अब, मतलब मुझे लगता कि वो उसने साथ गेम छोड़ दिया, लाइक उसका खत्म हो चुका होगा चांस, बहुत देर से वो खेल रहा था। तो मैं मिरर कोट लेके आया, फुल तैयारी करके आया था, बट अब कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम अगर जब भी वो मिलेगा तो मैं ऑफ सूट पोकेमोन विदाउट जीरिम बहुत कम पावर करके उससे खेलूंगा, और इतना जरूर पक्का जीतूंगा यार, मतलब कोशिश करूंगा जीतने का भाई, एकदम श्योर नहीं कह सकता। मैंने आयरन हेड यूज किया गाचोम पे, उसने अर्थक्वेक यूज किया यार, तीनों का डैमेज पड़ा वो गया, मतलब मेरा जो किल मिलने वाला था मुझे वो तो मुझे नहीं मिला, मतलब मेरा किल इसने ले लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मैं सोच रहा था आयरन हेड इस पे यूज कर लूँ, मतलब एरोडैक्टाइल पे, तो सी वेव मैं यूज करता हूँ एरोडैक्टाइल के ऊपर ताकि मुझे एक किल मिल जाए, मैं पीछे ना रहूँ भाई, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आना है तो भाई तुम्हें किल करना पड़ेगा ही। तो देख रहा हूँ अब किस पे पिटाई करूँ यार, ये काउंटडाउन आया था ना बहुत गुस्सा आता, मतलब बंदे इसी में तुम अब सोचने लगोगे तो काउंटडाउन तो आएगा ही। आयरन हेड मैं सोच रहा था यूज करूँ अब मौली पे, तो सकर पंच मौली उस पर यूज़ करता है, मेरा आयरन हेड थोड़ा कम डैमेज दे रहा है, स्पेशल अटैक टाइप ये पोकेमोन है, मैं अटैकिंग में यूज़ करूँगा तो क्या होगा, रॉयल बैटल चांसेस भी खत्म हो गया। तो भाई मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे, शुक्रिया, थैंक यू।